जो भी कमी कमजोरियां छोड़ना चाहोगे आपको लिफ्ट मिलेगी। दृढ़ संकल्प करना कि जो भी मेरी कमी है मुझे वो छोड़नी है। जैसे मानो आपको बहुत गुस्सा आता है, मानो हमें गुस्सा आता है, क्रोध से परेशान हैं हम और उसे छोड़ना चाहते हैं, तो बाबा के सामने बैठते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, बाबा अव्यक्त मास शुरू हुआ, आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूँगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, हम प्रतिज्ञा करके तो चले गए कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी, तो क्या होता है, गुस्सा नहीं आता है, आता है ना। इससे साफ सिद्ध होता है कि विधि को नहीं पकड़ा, और जहाँ विधि नहीं वहाँ सिद्धि नहीं। ठीक है, तो विधि क्या है, कभी भी ये ना कहकर कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी, अपने मन को ये बताइए कि क्या करना है। अगर आपसे कह दूँ मैं, अगर सब जगह देख लेना, बस इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, आप सोचेंगे इधर है क्या, इधर के लिए ही मना क्यों किया है, मन सोचता रहेगा इधर है क्या, इधर ही देखना है। और मौका देखते ही जैसे कबीर भाई की नज़र हटी और आप टप से देख जाएंगे, ये मन का नियम है। आप मन को ये कह के देखो कि मैं ये नहीं करूँगा, वो वही काम पहले करवाएगा आपसे, बाकी बाद में देखे जाएंगे। ठीक है, से मैं गुस्सा नहीं करूँगी, गुस्सा सबसे पहले आएगा। और फिर हम एक लाइन उसमें ऐड कर देते हैं कि अब आपने आह्वान किया है, माया तो आएगी ना, पेपर तो आएगा ना, विधि गलत पकड़ ली। और फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप फेल हुए फिर ट्राई करिए, आप 99 बार फेल हो गए, 100वीं बार ट्राई करिए, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन हमने कभी बैठ के सोचा है कि मैं 99 बार विफल क्यों हुआ, पता है क्यों हुआ, क्योंकि मैं ताले में गलत चाबी घुमाता रहा। और अगर 100वीं बार भी मैं गलत चाबी घुमाऊंगा ना, तो मैं विफल ही होऊंगा। अगर मेरी विधि सही होगी, मैं पहली बार में ही सफल हो जाऊंगा। और ये सूत्र बाबा हमें बताने आया है, और जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उनकी स्थिति में और हमारी स्थिति में फर्क होता है, उसी को हम कहते हैं नंबर वार। बताइए आप सभी क्या अलग अलग मुरली सुनते हैं, सब एक ही मुरली सुनते हैं ना। एक आत्मा की स्थिति ऐसी कि वो दुनिया को उठाए, और एक आत्मा की ऐसी कि उसे देख के दुनिया सो जाए, फर्क है ना। कारण क्या है, ये विधि को सही नहीं पकड़ा है, कान आँख सब खोल के रखना है एकदम। ठीक है, एक एक पॉइंट को हमने कैच करना है। अब जैसे मानो कि मुझे गुस्सा आता है, अब मुझे क्रोध को छोड़ना है, तो ये लिखने की बजाय कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मुझे ये पता करना चाहिए कि गुस्सा किन शक्तियों के अभाव में आता है। इस हॉल में मानो अंधेरा है, और हम आपसे कहें इस अंधेरे को बाहर निकालो, और आप लग जाएं लाठी लेकर अंधेरे को पीटने, तो क्या अंधेरा बाहर निकल जाएगा, सिर्फ एक लाइट आप ऑन करेंगे और रोशनी फैल जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जो यहाँ क्रोध का, काम का, लोभ का, मोह का अंधकार है, मैं ये नहीं करूँगा कहने से अंधकार नहीं भागेगा। सिर्फ हमें क्या करना होगा, उन शक्तियों की कैंडल वहाँ पे जलानी होगी, वो अंधकार अपने आप भाग जाएगा। पता करेंगे कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध हमें पता है किन शक्तियों के अभाव में आता है, पहला ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे अगर डायरी हो तो, और नोट ना करें सीधा यहाँ नोट करेंगे, डायरी नहीं है तो, लेकिन याद रखेंगे, क्योंकि जो भी पॉइंट हम बोलने जा रहे हैं आप में कोई भूलेगा तो नहीं, क्यों, क्योंकि अभी उसका हम अभ्यास भी साथ साथ करेंगे, माइंड की प्रोग्रामिंग भी करेंगे ताकि उसे भूले ना आगे चल के। ठीक है, कि तीन चीज़ों के अभाव में, तीन शक्तियों के अभाव में गुस्सा आता है। एक है धैर्यता की शक्ति की कमी, यानी धीरज नहीं है। आप चेक करिए,
जब धैर्य नहीं होता तो गुस्सा आता है, पहले इरिटेशन होगा और फिर गुस्सा आएगा। आपको सड़क पे किसी का इंतज़ार करना पड़ जाए तो गुस्सा आता है ना, धैर्यता की कमी। दूसरा गुस्सा आता है सहन शक्ति की कमी, और तीसरा गुस्सा आता है शांति की शक्ति की कमी। जैसे ही आप अमृत वेला सवेरे जागें, इन तीनों शक्तियों का आह्वान करिए, एक वीक, 10 दिन, 2 वीक, चलो अब तो व्यक्तवास है, पूरा एक महीना कर लीजिए। अगर गुस्सा जड़ से ना मिट जाए तो कहना, जड़ से ना मिट जाए। आह्वान कैसे करना है, आह्वान कैसे होता है, मांगी नहीं जाती। भक्ति मार्ग में हम जिन शक्तियों को परमात्मा से मांगते थे, ज्ञान मार्ग में उनका आह्वान किया जाता है। और आह्वान मतलब वो शक्तियाँ मेरे अंदर हैं, मुझे केवल सवेरे उठकर उनका आह्वान करना है कि हे मेरी दिव्य शक्ति, हे सहन शक्ति, तुम अपने काम पे लग जाओ, तुम मेरे अंदर हो और मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने काम पे लग गई हो। ठीक है, अपनी आंखों के सामने एक स्क्रीन बना लो, ऐसे बिल्कुल ऐसे बनाया करो, और उसे स्क्रीन पे देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं दिन भर में जो आती हैं जो सहनशीलता का पेपर लेती हैं, जहाँ मैं हलचल में आ जाता हूँ, उन परिस्थितियों को सामने लाओ, देखना शुरू करो। ओके, फाइन, ठीक है, परिस्थिति वही है अब, लेकिन मैं अचल अडोल हूँ। कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पे आप माता यहाँ बैठी हैं, आपने बच्चों को पाल पाल के बड़ा किया है, कोई बच्चा छोटा सा आपके पास आया, आपके पीछे से आपके बाल पकड़ के लटक जाता है, और आपको इतना ज़ोर से गुस्सा छूटता है, चांटा मारती है उसको खींच के। ठीक है, एक ये, अब दूसरी परिस्थिति, बच्चा आता है आपके बाल पकड़ के लटक जाता है और आप उसे प्यार से गोद में उठा के चूमने लगती हैं। दोनों ही आपने किए होंगे, दोनों काम किए हैं, परिस्थिति सेम थी लेकिन रिएक्शन अलग अलग था। यानी जब आपने सहन शक्ति का प्रयोग किया तो उसे गोद में लिया, और जब नहीं किया तो चांटा मार दिया। ठीक है, तो ये आह्वान हमने सवेरे उठते ही करना है। अब कभी ना भूले, आप उठें, आप उठें और भभके से निकले एकदम, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा, और उधर से भी आवाज़ आनी चाहिए, गुड मॉर्निंग मेरे लाडले बच्चे, उठ गए, आती आवाज़, सुनना है ना ध्यान से, उठ गए मेरे लाडले, आओ मेरी गोद में, आओ सीधे गोद में चले जाओ, और इतनी लाइट देखा करो अपने कमरे में, इतनी लाइट देखा करो बाप दादा से निकलती हुई कि बस, क्योंकि ये फ्री लाइट है, इसका कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। सामने ऐसे खड़े बाप दादा, लाइट ही लाइट घर में फैल रही है, पूरे कमरे में फैल रही है, पूरा घर प्रकाशमान हो गया है, शुद्धिकरण हो जाएगा पूरे घर का। और बाबा ने सर पे मेरे हाथ रख दिया, सोचो, आंखें बंद करो सभी और देखो, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर है, अपना राइट हैंड सभी अपने सर के ऊपर रख लीजिए, ऐसे यूँ आंखें बंद रखेंगे और अनुभव करेंगे कि ये हस्त मेरे बाबा का है, ये हस्त मेरे बाबा का है, इसमें जादू है, इसमें मैजिकल पावर है, मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। अनुभव करिए कि बाबा के हस्त से करंट निकल रहा है और मेरे ब्रेन में जा रहा है। बाबा ने वरदान दिया, बच्चे कर्मेंद्रिय जीत भव, एक्सेप्टेड, स्वीकार करो। बाबा ने दूसरा वरदान दिया, बच्चे संस्कार जीत भव, तीसरा प्रकृति जीत भव, चौथा माया जीत भव,
पांचवा निद्रा जीत भव, एक्सेप्टेड। हाथ नीचे कर लेंगे, एक्सेप्टेड। अब एक्सेप्ट कैसे करेंगे? आप ऐसे कह सकते हैं, इनमें से कोई एक पे मास्टरी कर लीजिए, एक पे। जैसे नींद आती है तो हे मेरे मन तुम निद्रा जीत हो, स्वीकार करो, और जितना हो सके, अंडरलाइन करेंगे इस बात को, जितना हो सके अपने मन की प्रशंसा किया करो। मन को कोसना नहीं कभी भी, मन की प्रशंसा किया करो। देखो, जब हमारी कोई और प्रशंसा करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, है ना, है नहीं, है ना। अभी आप में से हम किसी को भी बोल दें, आप क्लास तो सब ठीक ठीक सुन रहे हो लेकिन ये वाले भाई साहब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, देखो भाई साहब खुश हो जाएंगे। ये किसको लगा अच्छा? मन को अच्छा लगा, है ना। किसी और ने प्रशंसा की, अच्छा लगा मेरे मन को, है? किसी और ने की और मेरे मन को अच्छा लगा, तो मैं तो स्वयं उसका मालिक हूँ। तो अगर मैं स्वयं अपने मन की प्रशंसा करूँ तो ज़रूरत पड़ेगी कि कोई दूसरा हमें सम्मान दे, कोई दूसरा हमें मान दे, है ना। इसलिए बाबा ने कहा है कि जो बच्चे स्वयमान में रहते हैं उनका जिम्मेवार मैं हूँ, और जो नहीं रहते उसके जिम्मेवार वो खुद हैं, खुद स्वयं हैं, ठीक है। तो अपने मन की प्रशंसा किया करो, और प्रशंसा क्या है? स्वयमान, उसको मान दिया करो। ये कहने की बजाय मुझसे कतई सहन नहीं होता की बजाय कहो हे मेरे मन तुम तो बड़े सहनशील हो। मैजिक होते देखना जीवन में, मैजिक होएगा, ठीक है, मैजिक होएगा। तो ये कब करना है हमने? सवेरे। एक्चुअल में तो ये रात की हमने प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम तो रात को सब कुछ ये कर रहे हैं लेटे लेटे, सवेरे उठ के आपने ये करना है, तो दो बार एक अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो अमृत वेला मिस होएगा अभी? नहीं। पक्का? जिनका अभी भी मिस होएगा वो हाथ उठाओ।